बिस्मिल्लाह। आज मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, क्लियर करनी थी, जो कि कैंपस, सब कैंपस और एफिलेटेड कॉलेजेस, गवर्नमेंट या प्राइवेट के हवाले से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनके एग्ज़ाम कैसे होने, उनको वन बाय वन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो BS फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, अब इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कैंपस और सब कैंपस, इनके एग्ज़ाम हो चुके हुए हैं। जो BS फर्स्ट सेमेस्टर प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, इनके एग्ज़ाम सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू ऑनलाइन होंगे, और इसकी जो डेट शीट है वो GCEF की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और मैं इसकी डेट शीट डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ। और इन सब के जो एग्ज़ाम है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू होंगे, और सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र की इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी पेज पे शेयर की हुई है, वो आप लोग इनकी इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें कोई फिजिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे, सिर्फ कोई और चॉइस नहीं है सिवाय सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की। नेक्स्ट है MSc फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें जो कैंपस और सब कैंपसेस हैं GCUF के, इन सब के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और ये एग्ज़ाम 26 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे सब कैंपसेस और कैंपसेस के साथ गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस के भी एग्ज़ाम पहले साथ साथ होते रहे, मगर इस टाइम जो गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके एग्ज़ाम कैंपस के साथ नहीं होंगे, उनके एग्ज़ाम सेपरेटली होंगे ईद के बाद। अब MSc फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट एफिलेट कॉलेजेस, इनके जो एग्ज़ाम होंगे आफ्टर ईद होंगे, और ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होंगे और सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू होंगे। और इस टाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम हैं वो प्राइवेट एफिलेट कॉलेजेस के साथ होंगे। सेकेंडली, जो BS सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सिक्स, एट्थ और MSc फोर्थ की जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये 26 से स्टार्ट हैं कैंपसेस के, सब कैंपसेस के और गवर्नमेंट एफिलेट कॉलेजेस के। ये सारे सिटीज़, यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पे जो सारे ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होंगे, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम ये सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू नहीं होंगे, ये एग्ज़ाम टीचर खुद कंडक्ट करेगा, चाहे वो गूगल के थ्रू कंडक्ट करवा ले, गूगल स्टूडेंट के थ्रू, या गूगल फॉर्म्स के थ्रू, या आपको जूम के थ्रू आपको कोई क्वेश्चन दे दें और आपको कैमरा से चेक करके आपकी वो एवेल्यूशन कर लें, आप PDF उनको सेंड कर देंगे। इसका ये पहला मेथड है कि आप टीचर आपको सब्जेक्टिव टाइप भी दे सकता है, ऑनलाइन MCQ टाइप भी दे सकता है, ये सारी टीचर की मर्जी है, टीचर किस तरह का पेपर सेट करता है। और ये एग्ज़ाम आपको गूगल फॉर्म के थ्रू हो सकता है, गूगल फॉर्म क्लासरूम के थ्रू हो सकता है, या जूम के थ्रू भी हो सकता है, ये सारे टीचर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से एग्ज़ाम लेते हैं। और जो BS 4, 6 और 8, यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल नहीं, जैसे जंग सिटी है, जैसे चनियोट है, या कोई और सिटी जहाँ पे लॉकडाउन ने अभी नहीं लगा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे जो गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम है वो फिजिकल होंगे, और फिजिकल की डेट शीट है वो कॉलेजेस वाले आपसे शेयर करेंगे कि डेट ये एग्ज़ाम कब होना है, किस तरह से होना है, ये कॉलेजेस वाले ही कंडक्ट करेंगे और वो खुद से ही उन्होंने कंडक्ट करने हैं। प्राइवेट एफिलेट कॉलेजेस की के मिड टर्म के बारे में अभी कोई पॉलिसी अभी शेयर नहीं की गई। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इसके बारे में कोई और क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, फिर मैं उसके आपको आंसर कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।